2024 के विदाई के पहले केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी के लोग सपना देख रहे होंगे पांचों राज्यों में भारी नुकसान होना तय की राजनीतिक विदाई तय। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आएंगे। भारतीय जनता पार्टी पांचों राज्यों में बुरी तरह से पराजित होगी और ये सत्ता का सेमीफाइनल होगा। लोकसभा चुनाव 2024 में होने हैं, इसके पहले 5 राज्यों के चुनाव परिणाम ये सत्ता के सेमीफाइनल के रूप में देखे जाएंगे। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के खिलाफ पूरे देश में माहौल बना है और इंडिया गठबंधन की मजबूती दिखी है, ताकत दिख रही है, इससे प्रतीत होता है कि 5 राज्यों में इंडिया गठबंधन की जीत सुनिश्चित है और 2024 के विदाई के पहले केंद्र सरकार में बैठे भारतीय जनता पार्टी को 5 राज्यों में भारी नुकसान होना तय है। 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, बहुत सारे देखिए वो तो कोऑर्डिनेशन कमेटी सारी रणनीति तैयार करके रूपरेखा आपके सामने प्रस्तुत कर देगी। और जहां तक चुनावों का सवाल है तो स्वागत योग्य है, इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है इसको। और जिस तरह से पूरे देश में विपक्षी पार्टियों का एक मजबूत गठबंधन इंडिया के रूप में बना है, इससे भारतीय जनता पार्टी एनडीए के कुनबे में खासी बेचैनी है, खलबली मची हुई है। उनके बयानों से यह साफ तौर पर झलक भी रहा है। हमें लगता है कि जिस तरह से फ्रस्ट्रेटेड वो हैं और जिस तरह से देश की जनता का समर्थन मिल रहा है आने वाले चुनाव में, उनकी राजनीतिक विदाई तय है। लगातार आप लोगों में बहस हमेशा होते रहता है कि इंडिया वाले एकजुट नहीं है, लगातार बीजेपी आरोप लगाते रहती है। अब तो चुनाव का भी समय क्या कहेगी बीजेपी? आप बीजेपी से क्या उम्मीद करते हैं कि बीजेपी कहेगी कि इंडिया वाले एकजुट हैं, वर्ल्ड कप चल रहा है, इंडिया जीतेगा, आने वाले समय में राजनीतिक वर्ल्ड कप होने वाला है, उसमें भी इंडिया जीतेगा, तो इंडिया ही जीतेगा। कौन है ऐसा देश में कहने वाला कि इंडिया को हरा देगा? इंडिया को समर्थन मिला है भारत के लोगों के द्वारा और आप देखिएगा इंडिया की विजय सुनिश्चित है। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 5 राज्यों में चुनाव प्रचार करने के लिए जाएंगे? क्योंकि आगे आने वाले समय में रणनीति तय होगी और भाई किसी भी गठबंधन के वरिष्ठतम नेता तो जाते ही हैं चुनाव प्रचार करने, उसमें क्या प्रत्याशित है? आपकी सरकार है यहाँ पर, महागठबंधन की सरकार है, RJD उसमें भागीदारी है, डिप्टी CM भी है तेजस्वी प्रसाद यादव, उसी से आते हैं राजद के विधायक हैं सुधाकर सिंह, लगातार विवादित बयान दे रहे हैं, हम नहीं सुनते हैं। कहा है कि अधिकारियों पर सूख देना। सुधाकर सिंह जी की के बयानों को हम लोग नहीं सुनते हैं, नोटिस भी नहीं लेते। अरे भाई, सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में भाषाई मर्यादा का ख्याल हर किसी को रखना चाहिए। अगर आप नहीं रखते हैं तो ये आपके राजनीतिक और मानसिक दिवालियेपन को दर्शाता है, आपके फ्रस्ट्रेशन को दर्शाता है। लोकतंत्र में विरोध करने के, अपने बात रखने के बहुत तरीके हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप भाषाई मर्यादा को लांग जाएं और जनता को ऐसी चीज़ों के लिए प्रेरित करें जो कहीं ना कहीं गैरकानूनी है। अंजलि कॉचूर, हाउस ऑफ डिजाइन लहंगा, जहाँ आपको मिलता है ब्राइडल लहंगा, क्रॉप टॉप लहंगा, एंगेजमेंट लहंगा और मनपसंद डिजाइंस में पार्टी वियर लहंगा, खुद का डिजाइन लाएं और स्पेशल लहंगा बनवाएं। अंजलि कॉचूर, प्रगति टावर, सेकंड फ्लोर, सगुना मोड, संत कैरन सेकेंडरी स्कूल के सामने, बालाजी नगर, पटना। हमारा नंबर है 8789150861। पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में, पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रिडिफाइंड।